तो कोडरमा लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी लगातार लोकसभा क्षेत्र के गांवों में घूम घूम कर जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी दौरान अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटनाओं की लोकतंत्र में कहीं भी जगह नहीं है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कौन कहाँ रहेगा, किस पार्टी में रहेगा, किसे अपना मत देगा, ये सारी बातें स्वेच्छा पर निर्भर करती है, इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। तो गीता कोड़ा पर हुए हमले को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुका है और वह धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अपना अपना मत है, अपनी अपनी इच्छा है, कौन कहाँ रहेंगे, किस में रहेंगे, लेकिन ये जो इस तरह का घटना चक्र चलता है तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही सोचनीय है और ये सबके लिए है। हर किसी को ये सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इस तरह घटना का कहीं भी लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। वो हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ करेंगे, लेकिन कोई भी चुनाव प्रचार के लिए जाए या फिर कहीं भी जाए जिस तरह से ये घटनाएं दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि कोई भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति या फिर हर एक राजनीतिक दल को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए कि इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। और ऐसे हम बताएं आपको तो कहीं ना कहीं देखें तो ये इंडी गठबंधन घबरा गई है, उनको ये पता चल गया है कि एक तो गठबंधन दरक गया है और दूसरा कि उनका जमीन पे वो कहीं नहीं है, धरातल पे वो नहीं है और जिसके वजह से इस तरह से व्यक्तिगत हमला और इस तरह से